ये मजबूती की बात रखनी चाहिए। आज देश किस रास्ते पे है उस पे बहस होनी चाहिए। आज जरूरत इस बात की है कि हम लोग राजनीति का स्तर उठाएं पूरे देश में, हम लोग मूल्यों और मुद्दों की राजनीति करें, ना कि व्यक्तिगत लांछन की राजनीति हम लोग करें। हम लोगों को एक ऐसी राजनीति करनी है जिसमें हम बेरोजगारी के बारे में बात करें, अशिक्षा के बारे में बात करें, घटते हुए विकास के बारे में बात करें। हम लोग बात करें बढ़ते हुए भ्रष्टाचार की पूरे देश में। अगर हम लोग केवल ऐसी राजनीति करेंगे एक दूसरे को बुरे भले बोलने की, या हम ऐसी राजनीति बोलेंगे किसी को नीचा दिखा के अपने आप को ऊंचा दिखाने की, तो इस राजनीति से भाइयों देश का कोई फायदा नहीं निकलना आने वाले समय में। क्या मैं सही कह रहा हूं कि मैं गलत कह रहा हूं? मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं भाइयों, मैं इतना ये कहना चाहता हूं कि हम लोग एक ऐसे रास्ते पे हैं जहां देश या तो बहुत आगे जा सकता है या तो देश बिल्कुल गड्ढे में गिर जाएगा। पिछले 10 साल में आपने देखा है, मुझे बोलने की ज्यादा जरूरत नहीं है कि देश की क्या आज दशा और दिशा है। भाइयों, मैं एक चीज जरूर कहूंगा, मैं जहां भी जाता हूं लोग मेरे पिताजी के बारे में ये कहते हैं कि यदि संजय जी रहते तो ये काम होता, वो काम होता, उन्होंने नोएडा के बनाने में योगदान दिया। मैं कलकत्ता गया, मदर टेरेसा के कुछ लोग मेरे से मिलने आए कि पहली एम्बुलेंस हमको संजय जी ने दी। मैं आगरा गया, लोगों ने कहा भाई साहब पूरे शहर की साफ सफाई उन्होंने कर दी। मैं पुरानी दिल्ली में गया, लोगों ने कहा साहब यहाँ कोई हिम्मत नहीं सकता था पैर रखने के लिए, संजय जी ने खड़े होके इस इलाके कुछ सुनहरा और सुंदर बनाया। लेकिन सच बात तो यह है कि आज संजय जी नहीं है। उनको उनका सपना बहुत बड़ा था लेकिन उनको वक्त बहुत कम मिला। और जितना भी मैंने अपने पिताजी से सीखा, मैंने कभी उनको देखा नहीं था क्योंकि मैं 100 दिन का था जब वो ईश्वर को प्यारे हो गए। लेकिन मैं एक चीज जरूर कहना चाहता हूं कि अगर आने वाले समय में देश को एक मजबूत नेता की आवश्यकता है तो उस नेता का नाम आदरणीय नरेंद्र मोदी है।